तो फिर आज तो हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है ना, फुट टेस्ट में हम बैठ जाते हैं इस गाड़ी में बैठ के। तो फिर हम जो है ना थोड़ा एक प्रॉब्लम में फंस गए, प्रॉब्लम में फंस गए, करीब 2 साल से ऊपर हो गया मेरे को, ठीक है ना। बीच में भी 1 साल पहले हम बताए थे, रात में हम घर में वीडियो बनाए थे 2 मिनट का, फिर हम डिलीट कर दियो, ठीक है ना, एक दिन बाद या 2 दिन बाद डिलीट कर दिए। तो उसमें भी मेरे पास बहुत टेंशन था, वीडियो भी छोड़ देते 1 महीना 2 महीने के लिए। अभी तो छोड़ने नहीं पाएंगे, फिर हफ्ता में एक ही वीडियो हम दे पाएंगे, करीब 1 महीना। अगर 1 पाएंगे तो 1 दिन के 2 पाएंगे तो 2 दिन में तो 3 नहीं तो नहीं पाएंगे, सिर्फ 1 महीना हम वीडियो फिर से नहीं बना पाएंगे। वो जो मेरा टेंशन है बहुत बड़ा टेंशन है, चाहे कोई आदमी मेरा 35,000 रुपया का घोटाला कर दिया, ठीक है ना, वो बांधा लिया था पहले धार, तब बोला तुमको लेट करो सूद समेत दे देंगे, ठीक है ना, दे देना उसका ब्याज तो मिल जाए कोई बात नहीं, तो दे दे, वो बंदा अपना ही था तो दे दे। अभी क्या बोलता है, वो आदमी मर गया, जो मर गया उसका घर तो ले चलो मेरे को, बोलते उसको घर मालूम नहीं। हमने तू ऐसा धंधा मत कर, तू पैसा निकाल के पैसा दे दे उसको, हम बोले तू ब्याज में पा रहे या जहाँ से पा तू पैसा लेके दे, नहीं तो हम दूसरा कार्रवाई करेंगे। तो फिर इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अगर बंदा का शकल भी देखना है तो हम शकल अभी डाल देते, इसका शकल भी देख लेना, नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे 2 दिन बाद बंदा से बात करेंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे डालेंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको छोड़ना चाहिए, उसको सजा देना चाहिए, उसको आप लोग क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर छोड़ देंगे तो दूसरा आदमी का पैसा वो बेईमानी करेगा, बेईमान जो है ना वो हकीकत में बेईमान है, ठीक है ना, तो उसका सबक तो सिखाना चाहिए फिर। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या बताइएगा, इसको छोड़ देना चाहिए, इसको उसको सजा मिलना चाहिए, क्या करेंगे। तो इसलिए हम वीडियो बनाए ताकि हर आदमी देखे वो आदमी को, ठीक है ना, और उसको हम बताए भी, उनको हम फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब सब में डालेंगे। और मेरा दोस्त भी है ना बाहर में जो मैकेनिक का काम करता है, उनको भी चैनल है, उसका चैनल भी छोड़ देंगे, ठीक है ना, एक दो तो ऐसा करेंगे, वो तो देखेगा क्या सजा चाहिए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका शकल देख लीजिए, शकल हम देते रहेंगे, ठीक है ना, फिर तब उसका फुल वीडियो देखेंगे, उसका साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे क्या करेंगे, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना, उसको क्या करना चाहिए। इसलिए उस टेंशन से तो मेरे को निकलना पड़ेगा, 1 साल पहले भी हमको डिप्रेशन में फेंक दिया था वो, क्या बताऊंगे। तो मेरा जेल में आते थे तो कस्टमर जब आता था हम घुमा देते थे, बोले थे माल नहीं है वैसा नहीं है। तो मेरा दुकान 3 महीना के लिए बैठ गया था, बहुत घाटा हो गया था, क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा था, 2 गाड़ियाँ था मेरे पास, वो सब बेच बेच के खाए। तब फिर लाइन में आ गया, तो मेरा एक दोस्त है वो बाहर में रहता है, वो भी थोड़ा हेल्प किया, ऐसा ऐसा करो, उसका तो सजा होगा बाद में, अभी तुम पहले दुकान सही करो, तो इधर से फिर सही हो गए। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका शकल तो देख लीजिए सही से।